आज हम आपको बताने वाले हैं कि आलू की टिक्की कैसे बनाते हैं। तो मेरा जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें मैं ज़्यादा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करती हूँ। उसमें मैंने सिर्फ आलू को बॉईल किया है, देन उसमें उसको मैश करके पील ऑफ करके आलू के छिलके को, देन उसमें मैंने थोड़ा सा प्याज चॉप किया है और अनियन चॉप करने के बाद मैंने उसमें हरी मिर्च ऐड किया है। हरी मिर्च के साथ थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप करके और थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करके मैश करके उसको एक ही उसमें मिक्स कर लिया, देन उसकी ये शेप बना ली है। देन उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, डायरेक्ट टिकावा लिया, उसको ग्रीस कर लिया थोड़ा ऑयल डाल के, देन हम इसको जो ये पीस राउंड शेप के मैंने बनाया हो उस पर इसको रख दें। देखिए मैंने इस तरीके से ग्रीस करके तवे को उस पर रख लिया है। देन मैं अब इसमें क्या करने वाली हूँ, इसको एक कप इस तरह से आप इसको प्रेस करेंगे, फ्लैट कर देंगे, देन अच्छी तरीके से हम इसको सेकते हैं। ओके, देखते रहें, दोनों को फ्लैट कर देंगे इस तरीके से और अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे और अच्छी तरीके से इसको नीचे से हम तवे पर सेकेंगे। ये देखिए, और दोनों साइड से हम इसको इसी तरीके से सेकेंगे। लाइट ब्राउन करेंगे, जितना भी हम इसको सेकेंगे उतना ही ये टेस्ट बनने वाली है। इससे भी ज़्यादा आप इसको डार्क ब्राउन कर सकते हैं, इतना अच्छे तरीके से आप इसको रोस्ट करेंगे उतना ही टेस्ट बनेंगे। दोनों साइड से हम इसको रोस्ट कर लेंगे, जब ये हमारी दोनों साइड से रोस्ट हो जाती है तब हम आपको बताएंगे इसको सर्व कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से हमने रोस्ट किया इसको दोनों साइड से और हमने इसको एक प्लेट ली, उसमें सर्व कर लिया है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। हम थोड़ा सा इसमें रेड मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। आप इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो स्पाइसी बनाइए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और इसको सॉस के साथ सर्व करेंगे, बहुत टेस्टी लगेगा, लाइट है टेस्ट में और न्यूट्रिशियस भी है और अच्छा भी है। लाइक दैट इसमें मैंने जो रेड मिर्च का पाउडर है वो इस पर स्प्रिंकल कर दिया है। देन मैं अब इसमें सॉस डालने वाली हूँ। लाइक दैट सॉस आप जितना मर्जी चाहे उतना यूज़ कीजिए। ये देखिए, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आप कोई भी सॉस लीजिए, मैंने तो केचप यूज़ किया है स्नैक्स वाली। देखिए नाउ आवर टिक्की, जो आलू की टिक्की है वो बिल्कुल आपका टेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको खा सकते हैं और जैसे भी आपका मन चाहे आप इसको बन के में भी ऐड करके बर्गर की तरह भी इसको खा सकते हैं और जैसे चाहे आप ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगे तो बनाइए और खाइए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।